अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मुझे बहुत अरसे से मिस भी कर रहे होंगे बिकॉज़ मैं काफ़ी अरसा बीच में गायब रही हूँ और मैंने कोई ब्लॉग्स अपलोड नहीं किए। असल में मसरूफियात, कुछ घर शिफ्ट किया, जॉब लग गई, बस आगे पीछे बिजी रहे तो कोई टाइम नहीं मिला जी। आज की हमारी जर्नी होने वाली है पराठा स्टॉप, जहाँ पे हम लोग गए थे जी नाश्ता करने के लिए। अच्छा जी, आजकल ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है और बहुत चल रहा है ये, और इनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं वो तो आपको साथ में दिखा देंगे। यहाँ से खैर हम लोग जा रहे थे शॉप के अंदर, हम लोग पहुंच गए और शॉप का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था। कुछ इतनी बड़ी सी शॉप नहीं थी बट इंटीरियर बहुत खूबसूरत था, और हम देसी लोगों के साथ साथ यहाँ पे गोरे भी नाश्ता करने आए थे। खैर मेन्यूज देखने के लिए इन लोगों ने टैबलेट्स रखे हुए हैं और यहाँ पे जो भी चीज आप चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। मेन्यूज में इनके डिफरेंट टाइप के पराठे थे, स्ट्रीट फूड थे, अंडे वाला बर्गर भी था, देसी टीज और बहुत कुछ था। यहाँ पे हम लोग सब डिसाइड कर रहे थे कि कौन क्या खाने वाला है। असल में हम लोग सब फ्रेंड्स गए हुए थे बाहर, सबने डिसाइड किया कि किसको क्या खाना है और हम लोग चले गए जी टिल पे, जहाँ पे हम लोग अपना ऑर्डर लिख पा रहे थे। यहाँ पास में सबसे अडोरेबल मुझे पता है क्या लग रहा था, ये छोटू सा रिक्शा, जो अभी मैं फोकस में नहीं लेके आ रही बट आई विल फोकस इट। खैर हम लोगों ने अपना ऑर्डर किया, पे किया और बस अपने टेबल पे जाकर वेट कर रहे थे अपने खाने का, और ये रिक्शा था जिसकी मैं फैन हो गई। डिस्पोजेबल स्पून, फोक, डोनट्स, चॉकलेट्स, टूथपिक्स वगैरह वगैरह, और ये इनका फ्रंट का व्यू था जहाँ पे सामने चाय, चाय के कप, मटके एंड एवरीथिंग, कॉफ़ी मशीन वगैरह पड़ी हुई थी। हम लोगों का फूड आ गया और इनके पराठे आर मैसिव मैसिव, मतलब लाइक एक पराठा जो है दो बंदे मेरे जैसे तो आराम से खा सकते हैं। हम लोगों ने मंगवाया था चना पराठा, साथ हम लोगों ने अचार मंगवाया था, और ये इनकी एक सॉस ट्रे है जिसमें इन्होंने देसी ग्रीन चटनी थी और एक वाइट चटनी थी। ये हमारी फ्रेंड ने, एक ने देसी ऑमलेट पराठा ऑर्डर किया था, सब ने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर किए थे। खैर अब यहाँ पे आप मेरे हाथ से कंपेयर कर सकते हैं कि पराठे का साइज कितना बड़ा, और वो इसी चीज़ के लिए फेमस है। अब बारी आती है टेस्ट टेस्ट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसा है जी। ऑनेस्टली लाहौर के चने याद आ गए, अचार भी इनका बिल्कुल मुनासिब था, कोई बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था, कुछ नहीं था। और ये है जी, हम लोगों ने देसी लार्ज टी मंगवाई थी। यहाँ पे खैर हम लोगों ने चने खाए, हम लोगों से पराठा ख़त्म नहीं हुआ बिकॉज इट वॉज टू बिग, और यहाँ पे हम लोग उसको पैक करवाने वाले थे। हमने उनको बोला, उन्होंने हमें बॉक्स ला के दिया कि जी आप पैक कर सकते हैं, और बॉक्स में हमने जो लेफ्ट ओवर था वो पैक कर लिया क्योंकि ये तो फिनिश ही नहीं हो रहा था। खैर इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया, और यहाँ पर मौसम भी काफ़ी प्यारा हो गया था। 10 बज रहे थे तकरीबन और हम लोग यहाँ से निकल गए। हम लोगों ने अपने पराठा लिया जो लेफ्ट ओवर था, चाय पकड़ी क्योंकि वो भी फिनिश नहीं हुई, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और बस यहाँ से हम निकल आए घर पे वापस। ये थी एक छोटी सी फूड रिव्यू वीडियो पराठा स्टॉप के बारे में, जो आजकल बहुत फेमस है बोल्टन में, बहुत पुरानी है और मैंने एडिट करने में साल लगा दिया इसको, बट होप सो नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए माजरत, और ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।